जय गुरु जी सबसे पहले तो शुक्राना कि सबका दिमाग ना गुरु जी ने अलाइन किया हुआ है कि सब कहीं और भी हो सकते थे कहीं और भी मस्ती कर रहे हो सकते थे लेकिन गुरु जी ने संभाव ना सबको अलाइन किया कि नहीं यहाँ चलते हैं है ना जैसे मैं कल लवारागर्दी कर रहा था टाइम स्क्वायर में आप भी कर रहे हो सकते थे लेकिन आपने चूज़ किया कि यहाँ आते हैं जय गुरु जी थैंक यू फॉर दैट संगत जी मेरी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक्चुअली में सबकी स्टोरी बचपन से ही स्टार्ट होती है मेरी भी वहीं से होती है कि जब मैं छोटा बच्चा था मम्मी बहुत प्यार से रखते थे माइक पे कभी बोलता नहीं हूँ अच्छा तो मम्मी बहुत प्यार से रखते थे बड़ा जो हमारा इंडिया में सिस्टम होता है ना फियर बेस्ड भगवान तो मेरे पास भी फियर बेस्ड भगवान थे कि अगर तू पूजा नहीं करेगा तो ये हो जाएगा पूजा नहीं करेगा तो वो हो जाएगा लेकिन मम्मा ने ना बहुत अलाइन करके रखा हुआ था कि हमेशा ना भगवान को सेंटर मान के चलना है तो वो मैं चलता था मतलब मैं इतना बड़ा भगत बन गया था मतलब आई एम नॉट कॉकी हियर बट इतना बड़ा भगत बन गया था कि वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट देखा होगा आप लोगों ने दिल्ली में है ना जो जहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में रहते हैं तो उनका ना अच्छा ये निकाल लो मैंने कहा पहचाना नहीं जाऊँ इसलिए डाल के रखा था अच्छा ओके अच्छा ओके सॉरी तो क्या था कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ना वो पॉलिटिशियन से होते हैं ना सारे पर मेरे मम्मी ने इतना बड़ा भगत बना दिया था कि उस पर डोम होता था तो मुझे ऐसा लगता था जहाँ डोम होता है वहाँ भगवान जी होते हैं तो मैं छोटा सा बच्चा होता था एक फॉरनर ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था अमेरिकन थी वो तो मैं बस में कहीं था तो मतलब वहाँ पे मथा मुथा टेक के ना मैंने वो मेरे पे हाजिर थी कि कैसा बच्चा है ये तो मतलब ऐसा भगत बना दिया था मम्मा ने द पॉइंट बींग की अच्छी अपब्रिंगिंग हुई थी मम्मा पापा ने बड़ा कुछ इन्वेस्ट किया था मेरे पे तो जर्नी बहुत मज़ेदार चल रही थी लाइफ की और 2002 तक ना ऐसा लगता था जब मैं लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी वन का था डोंट गेस माय एज पर तब मैं ट्वेंटी वन का था जब 2002 था 19 का था शायद चलो दो साल डिस्काउंट 19 का था तो बहुत ही मतलब ना छोटी एज के अंदर ना गुरुजी ने ना बड़ी अपनी ब्लेसिंग्स के साथ जो कि मैं उस टाइम पर नहीं मानता था क्योंकि मेरे को नहीं पता था गुरु कौन है लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि सब कुछ मैंने अचीव किया है सब कुछ मेरा किया हुआ है सब कुछ मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई कोई भगवान जी थोड़ी ना करते हैं मैं करता हूँ ना तो और इतना सब जो एक्सेल करते हैं कॉलेज में या जो भी सब करते हैं स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में या जैसे भी है वो मैं ही तो कर रहा हूँ ना मैं ही हूँ सब कुछ मतलब मेरा ही किया हुआ है और मेरा ही ये रिजल्ट हैं तो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का हूँ वैसे बेसिकली दिल्ली से हूँ लेकिन पैक चंडीगढ़ का पढ़ा हुआ तो वहाँ से क्या हुआ कि अर्ली ग्रेजुएशन के लिए गुरु ने ना बड़ी अच्छे से जल्दी से जॉब भी लगवा दी लेकिन मेरे को मतलब थैंक यू गुरु का कोई भी नहीं क्योंकि मैंने लगवाई थी वो जॉब मेरा था सब कुछ तो क्या हुआ जी कि जॉब लग गई सब कुछ हो गया तो वो होता है न कि हम ब्लोटअप हो जाते हैं हमें घमंड होना शुरू हो जाता है हमारा जो होम में जिसे पंजाबी में कहते हैं पता नहीं संस्कृत में कहते हैं तो वो ना ईगो बूस्ट हो गई थी ईगो बूस्ट इतनी हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ तो मैं कर सकता हूँ लाइफ के अंदर लेकिन गुरु के ना अलग से प्लान्स थे टू के अंदर जब मैं पहुँचा टी में बैंगलोर में आर एन डी का इंजीनियर बन गया बड़ा अच्छा सब कुछ पैकेज मिल गया बड़ा सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया लाइफ के अंदर और बहुत बिगड़ गया था मैं मतलब गुरुजी कहते होते थे जब गुरुजी किसी से मिलते थे ना कोई लड़का या लड़की बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल बन के आता था ना कुछ के पास तो कुछ कहते थे या मॉडर्न हो गया है या मॉडर्न हो गई है उसका मतलब ये होता था बिगड़ गया है या बिगड़ गई है तो मैं बहुत मॉडर्न हो गया था बड़ा बिगड़ गया था बड़ी सारी गर्लफ्रेंड्स थी और बड़ा सब कुछ था लग अनु अंडी को सब पता है वैसे ठीक है तो वो सब चल रहा था तो उसके बीच में क्या होता है कि एक दिन टी वी का सी आता है प्रजेंटेशन होती है नाइनटीन जुलाई ट्वेंट 2002 की डेट होती है वो वो मुझे याद है डेट क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का तो उस डेट पे क्या होता है कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ और वो रॉक स्टार प्रजेंटेशन होती है ना नाफॉर्चुनेटली वो वैसी हो जाती है तो वो सी को बहुत पसंद आती है और सी बहुत इम्प्रेस होता है मतलब सी ऑफ लाइक ट्वेंटी पीपल एंड ही गेट्स इम्प्रेस एंड ही इज़ लाइक कि यार ये बंदा कौन है तो ना ऐसे वाली मतलब पॉइंटिंग आउट हो जाता है तो ना सारे लोग बहुत खुश होते हैं वहाँ पे संगत में बैठ के वो संगत में बैठ के मतलब ऑफिस में बैठ के ना सारे लोग बहुत खुश होते हैं तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये खुश क्यों है क्या हो रहा है संगत जी वो मेरा डाउनफॉल था मतलब मटीरियल लाइफ में स्परिचुअल लाइफ में वो अपलिफ्टिंग थी क्योंकि मैं इतना डिसअपॉइंट और इतना डिप्रेस हो गया था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं हूँ कौन मतलब वैसे वाले सवाल आते हैं ना जो थोड़े से घूमे हुए मेरा मेरे को अगर आप थोड़ा सा जानोगे आपको पता लगेगा कि मैं थोड़ा घुमा हुआ आदमी हूँ तो ना वो घूमे हुए सवाल आते थे मेरे अंदर कि मैं कौन हूँ ये ये खुश कौन है ये हंस कौन रहा है ये हो क्या रहा है वॉट इज़ द पॉइंट ये लाइफ चल क्या रही है ये सब क्या हो रहा है मतलब पैदा हो रहे हैं लोग मर रहे हैं ये सब क्या हो रहा है तो इतना सारा मैथ मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया एंड आई वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस टू द पॉइंट कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया ठीक है फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी फिर मैं घर जाके बैठ गया फिर मैं कुछ भी नहीं करता था बस सारा टाइम बैठ के ना दीवारें देखता रहता था कि पता नहीं ये हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आता था खैर एनी anyway, मेरे जो मेरे मासी के बेटे हैं मतलब मेरी मासी मेरी मम्मा से जो बड़े वाली हैं उनके जो बेटे हैं वो गुरु के पास जाते थे उनका नाम है अश्विनी वर्मा और गुरु उनको बहुत प्यार करते थे एंड हैं लेकिन वो गुरु के पास जाते थे तो वो एक दिन घर आए हमारे पास और आके उन्होंने मेरी हालत देखी और बोला कि चल यार मेरे को ना वहाँ पर श्रीलंका में कोई तो गैस स्टेशन खुलवाने चला तू वो वाला काम कर तू ये क्या अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है यहाँ पे तो मैंने कहा चलो ठीक है यार कुछ कर तो रानी मैं चलो यही करके देख लेते हैं तो मैं उनके घर गया संगत जी देर वॉज अ पीरियड ऑफ लाइक दिस इज़ टू तो देर वॉज अ पीरियड ऑफ लाइन आया कि गुरु जी कुछ हैं या नहीं है ऑल दो वो जो बचपन वाली भक्ति थी वो ट्रिकट थी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया स्वरूप को कभी कुछ डिसरिस्पेक्टफुली बोला नहीं गुरु जी को लेकिन भैया इज़ लाइक ऑल द टाइम गुरु जी ये गुरु जी वो गुरु जी ऐसे गुरु जी ये जो खाना है वो गुरु जी खा लें जो पीना है गुरु जी पी लें तो वो गुरु जी ना उस टाइम में उनके घर पर भी आए थे तब भी मतलब मैं भी वहीं रहता था यमुना पार तो, तो भी ना मेरे को कुछ फील नहीं हुआ कुछ हुआ नहीं कुछ कनेक्शन नहीं हुआ वो वाला पीरियड चलता रहा कि मैं काम भी कर रहा हूँ लेकिन मैं दीवारें भी देख रहा हूँ तो बड़ी बार जब दीवारें देख ली बड़ा सब कुछ कर लिया एक दिन अचानक से मन में पुल आया कि यार ये गुरु से बात करता हूँ क्योंकि भैया ने ना कभी पुश नहीं किया मेरे को कि नहीं 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 तू गुरुजी के पास चल नहीं 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 तेरा दिमाग ठीक करते हैं नहीं 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 कुछ ऐसे करते हैं उन्होंने कभी नहीं किया उन्होंने ना जैसे ट्रू सेंस में एक डिवोटी को होना चाहिए गुरुजी के कि सब कुछ ना गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी जब आपकी इच्छा होगी ना इसका दिमाग सीधा कर देना अगर आपकी इच्छा नहीं होएगी ये वैसे ही बेवकूफ़ है बेवकूफ़ की तरह आगे चलता रहेगा दैट्स फाइन पर एक दिन अचानक से मेरे मन में पोला आया कि यार एक बार देख के आता हूँ ये गुरु जी स्टफ हैं क्या मतलब भैया इतना सब मतलब इतने पढ़े लिखे हैं भैया इतने बड़े बिजनेस हैं डेली के इतना सब कुछ लेकिन हर चीज़ गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते रहते हैं तो मैं कहा चलो जाके देख के आते हैं गुरु जी कौन है तो मैंने भैया को एक दिन बोला भैया आज जब आप जाओगे ना तो मेरे साथ मुझे भी लेके चलना ये ना शायद नवंबर 2003 की बात है मतलब हल्का सा फॉल सीजन मतलब हल्की सी जब ठंड होती है तो मैं गया देखता गया हूँ जी संग जी आप में से कोई छोटे मंदिर गया है कभी रूम का कुछ आइडिया है कुछ आर्किटेक्चर आप क्यों चागू जी तो कैसा है कि यू एंटर एंड देर आर स्टेयर्स लाइक फोर और फाइव स्टेयर्स विच गो डाउन ठीक है लेफ्ट साइड में एक डोर है जो कि गुरु जी का लंगर प्रसाद जहाँ पे बनता था किचन है साथ ही उसके कॉफी का टेबल है काफी बड़ा सा गुरुजी उसके ऊपर बैठ जाते होते थे शाम को लाइक पाँच छः बजे के आसपास मस्ती करने के लिए और पीछे ही एक रूम है सामने जहाँ पर गुरु जी का वो रूम होता था राइट साइड में ऐसे घूमो यू टर्न करो जब वो सीढ़ियाँ नीचे उतर के यू टर्न करो यहाँ पर गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ था तो मैं पहली बार जा रहा हूँ मेरे हिसाब से गुरु जी तो वही होते हैं जो ये बोलते हैं सच बोलना है झूठ नहीं बोलना है किसी का ये नहीं करना किसी का वो नहीं करना और बताओ चढ़ावा कितना तो मैं उसी माइंड से गया था मैं वहाँ पर जाता हूँ देखता हूँ लाइक शाम को छः साढ़े बजे का टाइम है गुरु जी के ना वहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा मतलब बड़े सज सवर के लोग आए हुए हैं सब लोग जिसे कहते हैं ना पंजाबी में मतलब कि टोटा बन के आए हुए हैं सारे के सारे नहा धो के क्लीन और ये सब तो वो सारे लोग संगत के बैठे हुए हैं मैं भी जाता हूँ वहाँ पे मैं भी जाके वहाँ पे लाइन में कहीं तो बैठ जाता हूँ और पीछे ना गुरबानी चल रही है मतलब पंजाबी हूँ बैकग्राउंड बा, तो पता है कि पंजाबी के अंदर गुरबानी में क्या बोल रहे हैं तो वो सुन रहा हूँ मज़े चल रहे हैं सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो गुरु जी कौन है ये अभी भी नहीं पता है मतलब कि एक बार ही उनको मिला था भैया के घर पर तब भी ना कोई ऐसे वो हुआ नहीं था मेरे को कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ था तो क्या होता है कि छः साढ़े छः बजे के आसपास ना जब ये सब कुछ हो रहा है एक अंकल आते हैं जिनका नाम सिंगला अंकल मुझे बाद में पता लगेगा लेकिन वो अंकल आते हैं और आके ना चाय चाय का वो होता है चाय प्रसाद मेरे लिए उस टाइम पे कोई भी प्रसाद नहीं था मेरे लिए चाय थी तो वो चाय देते हैं मैं चाय पीता हूँ मैं कहता हूँ यार पता नहीं एंटिसपेशन बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन हो ये सब रन ओवर कर रही हैं ब्रेन में कि पता नहीं कौन हो गुरु जी खैर सेवन ओ क्लाक टाइम डजेंट मैटर एस्टिमेट है मेरा सेवन ओ क्लॉक क्या होता है कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ ऐसे इधर बैठा हुआ लेफ़्ट साइड में वो जो कॉफ़ी टेबल है ना मैं उसके पास बैठा हुआ लेफ़्ट साइड में जो रूम है ना वहाँ से वो रूम खुलता है एक मजेस्टिक पर्सनालिटी बाहर निकलते हैं वो मजेस्टिक इसलिए होती है क्योंकि उनके चेहरे पर इतना सारा और होता है इतनी सारी एनर्जी होती है ना कि मेरे जैसा मतलब आवारा गर्द लड़का वो चीज़ को रिसीव कर पा रहा है कि वो ऐसे करके निकल के सामने आते हैं और आके ना मेरे सामने से ऐसे वफ़ करके ना राइट में चले जाते हैं तो जब वो जाते हैं ना उनकी इतनी सारी खुशबू आती है मेरे को उस टाइम पे मैं महामूर्ख था अभी भी हूँ लेकिन कम उस टाइम पे मैं महामूर्ख था मुझे लगा कि ये ना परफ्यूम लगाया तो इन्होंने लड़कियों वाला हुआ है पर यार बड़ा ही सही परफ्यूम है ये जो भी है ऐसे लग रहा था जैसे ना ट्वेंटी थाउजेंड रोजेस को आप उनका जस्ट बना के एक ड्रॉप में डाल दो और जो उसकी फ्रेगरेंस होगी ना वैसी फ्रेगरेंस आ रही थी तो मेरे को मतलब बड़ा अच्छा लगा उनकी शक्ल देखी सब कुछ क्लीन शेव्ड सिर भी पूरा शेव्ड इसलिए सतगुरु जी मुझे भी गंजा कर रहे हैं पर पूरा कुछ क्लीन शेव्ड इतना मिचस्ट इतने हैंडसम देखा यार ये तो हंक है गुरु जी है ना मतलब ये तो मतलब सही पर्सनैलिटी है इनकी मतलब बाकी जो गुरुजी होते हैं वो भी गुरुजी होते हैं आई गेट इट पर वो इतने मतलब नहाए धोए वाले गुरुजी नहीं होते ये काफ़ी नहाए धोए वाले गुरुजी हैं तो गुरु जी आते हैं ऐसे राइट में आते हैं और अपने सिंहासन में जा बैठ जाते हैं सारी संगत खड़ी होती है मैं भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़ा होता हूँ प्यार कोई नहीं है मेरे पास इन पर्सनैलिटी के लिए अभी तक भी लेकिन रिस्पेक्ट है क्योंकि मम्मा ने सिखाया हुआ है कि ऐसे ना किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते खड़ा हो जाता हूँ वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं और सारी संगत बैठ जाती है गुरबानी पीछे चल रही है पाँच मिनट निकलते हैं दस मिनट निकलते हैं बीस मिनट निकलते हैं आधा घंटा एक घंटा वो यार वो पीछे गुरबानी चली जा रही है ये गुरु जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे तो मतलब ये हो क्या रहा है तो मेरे को ना समझ नहीं आता कि ये कैसे गुरु जी है ना मतलब खड़े हो के बोलो कि हाँ जी भाई झूठ वूट नहीं बोलना सच बोलना है अच्छे काम करने हैं किसी का दिल नहीं दुखाना कुछ तो बोलो मतलब कुछ तो मैसेज दो संगत जी पहली बार जा रहा हूँ कुछ भी नहीं होता मैं बैठा रहता हूँ वहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो ना अचानक से ना लाइक आठ साढ़े आठ के आस मेरे को कोड मत करना मैं ये सारे टाइम अपने दिमाग से ऐसे एस्टिमेट से बता रहा हूँ साढ़े आठ बजे के आस ना क्या होता है कि गुरु ना किसी को ऐसे इशारा करते हैं तो वो अंकल ना वो जाते हैं वो सिंगला अंकल ही होते हैं वो सिंगला अंकल उनके पास जाते हैं जाके ना गुरु उनके कान में कुछ कहते हैं और फिर वापस जाते हैं वो तो क्या होता है कि वो गुरबानी का ना वॉल्यूम लो हो जाती है और ना मैथ्स बिछने शुरू हो जाते हैं सारी जॉब तो मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है मेरे को लगा कि शायद लंगर वंगर हो रहा होगा काम ट्रू कि लंगर हो रहा होता है लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती कि गुरु जी बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ मतलब ये हो क्यों नहीं रहा है ये दिखने में तो बड़े अच्छे से हैं और मतलब किसी से कुछ कुछ बोलते हैं बीच में लेकिन कुछ शब्द नहीं कोई कीर्तन नहीं ये चल क्या रहे हैं यहाँ पे खैर लंगर प्रसाद शुरू होता है मैं ना अपनी किस कैसे बोलूँ मतलब लाइक मैं अपनी फैमिली में भी कभी किसी का जूठा नहीं खाता जूठे से मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो पहले दिन ही गुरु जी वहाँ बैठाते हैं चार लोग आ जाते हैं और चार लोग एक ही प्लेट होती है उसके अंदर ना वहाँ पर वो लंगर प्रसाद सर्व कर दिया जाता है अब मुझे होती है बड़ी दिक्कत और मेरे जो तीन जो उस टाइम पे कंपेनियन थे उनको पता लग जाता है कि ये नया नवेला बंदा है अभी एटीट्यूड दिखा रहा है अभी इसकी बुद्धि लाइन नहीं हुई है हो जाएगी थोड़ी देर उनको पता ऐसे लगता है क्योंकि मैं फील्डिंग करके खा रहा हूँ मैं मतलब ना अपना चम्मच से दाल इधर कर ली आलू बैंगन इधर कर लिए मिर्च की चटनी इधर कर ली अपनी रोटी इधर कर ली चुपचाप से साइड से खा लिया मैंने कहा चलो ठीक है यार जो भी है जैसे भी है चलेगा मुझे लगा अब इसके बाद जब सबको वो होता है ना एक्चुअली में मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता लेकिन मैंने ये अपनी लाइफ में काफ़ी देखा है कि पहले ना लंगर प्रसाद दे दिया जाता है ताकि ना तुम मतलब जब डूजी हो जाते हो ना तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भगवान के साथ कनेक्ट हो गए हो तो मेरे को लगा कि ये वही फंडा होएगा कि अच्छे से खिला पिला दो फिर उसके बाद ये टली हो जाएंगे जब शुगर हाई हो जाएगी सबकी तो लगेगा कि भगवान के साथ निब लग गई हमारी तो मुझे लगा कि ये वही सीन है खैर बाहर निकले लंगर प्रसाद हुआ गुरुजी उठे हम सब भी उठे गुरुजी राइट से फिर लेफ्ट में चले गए गुरुजी ने इतना अच्छा चोला डाला हुआ था वो सब था गुरुजी अंदर गए मुझे लगा शायद अब गुरुजी का डिनर टाइम होएगा ठीक है हाँ मैं भी ऐसे <laughs> तो मुझे लगा कि गुरुजी का ये डिनर टाइम होएगा चलो ठीक है थोड़ी देर में ना हम बाहर गए चिटचाट की भाई और भाभी मेरे साथ आए हुए थे वही अश्विनी वर्मा और पिंकी भाभी तो चिटचाट की थोड़ी देर के बाद हम अंदर आ गए वापस तो अब देखता हूँ कि गुरु जी ना दोबारा से बाहर निकल के आते हैं लेकिन अब इस बरी ना वो पहले तो वो मतलब हैंकी हैंडसम जेंटलमैन थे अब ना वो ड्यूड बन के बाहर आ रहे हैं उन्होंने एक नाइकी का लोअर पाया हुआ है प्यूमा के शूज़ पाए हुए हैं और ना टी शर्ट पाई हुई है ऑरेंज और वाइट कलर की होती थी गुरु जी की स्टाइप्स वाली वो गुरु जी की बड़ी फेवरेट टी शर्ट होती थी तो वो पाई हुई है और गुरु जी आते हैं अपने आराम से मस्ती मस्ती करते हुए वहाँ जाके ना फिर से अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं और सारे लोग फिर दोबारा से यहाँ पर बैठ जाते हैं मेरा पहला दिन है ये आज्ञा लेना ये लेना ये मेरे को कोई फंडा मेरे भाई ने बताया नहीं था एंड आई वॉज अवेयर ऑफ इट होता क्या है कि गुजी ना मैं देखता हूँ क्योंकि मैं तो उस टाइम पे टेस्टिंग मोड में हूँ ना और मतलब मैं तो उस टाइम पे इस मोड में हूँ कि ये बंदा है कौन इसमें मतलब दम कितना है ये मतलब है क्या चीज़ ये हो क्या रहा है ऐसे वाले मोड में हूँ मैं तो क्या होता कि है कि गुजी आते हैं और मतलब वो गुजी वहाँ बैठे हुए हैं ना ऐसे ऐसे करते हैं सबको तो जिसको भी वो ऐसे करते हैं ना वो बंदा उठता है अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ये सारी चीज़ें कि वो उठता है और गुजे के पास जाता है गुजे के पास मथा टेकता है गुजी की मर्जी होती है किसी से रैंडमली बात करते हैं या किसी से नहीं करते हैं और ना ऐसे करके बोलते हैं, चलो ऐसे करके करते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ समझ रहा हूँ सुन रहा हूँ सब कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे को लगा कि हाँ यार ये काफ़ी पहुँचे हुए होंगे जो कि मतलब ना लोगों को परमिशन देते हैं कि नाउ इज़ योर टाइम टू गो ठीक है तो मेरे को कुछ ज़्यादा लगा नहीं इसके बारे में एनी वे लेकिन लगा मुझे ज़्यादा तब जब भैया को भी आज्ञा मिल गई और भाभी को भी आज्ञा मिल गई मैं एकदम से भाग्यों के पीछे गया मैंने कहा कि यार आपको आज्ञा मिल गई है मतलब मेरी भी वेट कर रहा मैं राइड आपके साथ शेयर्ड है मतलब ट्रांसी हम ना मैं यहाँ से पैदल चल के नहीं जाऊँगा छोटे मंदिर से तो वो कहते हैं कि तू चिंता नहीं कर हम बाहर ही हैं जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं दें ये पहली बार अब मेरे को सुनाई दे रहा था कि आज्ञा नहीं देना तब तक जाना नहीं है मैं ठीक है मैं जाके ना गुरुजी के पास बैठ गया गुरु अब यहाँ पर ऐसे बैठे हैं मैं अब इतनी दूर बैठा हूँ रात के कोई दस ग्यारह साढ़े ग्यारह बज गए टाइम निकलता जा रहा है गुरु जी सबको आज्ञा देते जा रहे हैं पर मेरी आज्ञा नहीं हो रही है तो मेरे को ना समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है पर खैर मैं बैठा रहता हूँ विदाउट एनी रिस्पेक्ट विदाउट एनी भक्ति विदाउट एनी फेथ मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ बिकॉज भाई ने बोला कि जब तक तो आज्ञा नहीं दे रही तब तो तक तो जाना नहीं तो मैं तो चेक द बॉक्स के लिए बैठा हु बैठा होता हूँ क्या होता है संगत जी अचानक से ना गुजी उन्हीं संगलांगुल को दोबारा से बुलाते हैं और सिंगला अंकल ना रात को ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के आसपास ना मुझे दोबारा से चाय प्रसाद देते तो मुझे अजीब लगता है कि यार क्या ले लेता हूँ सारी चीज़ें आधे मन से चल रही हैं वो चाय पीता हूँ चाय प्रसाद पीता हूँ संगत जी उस टाइम पे ऐसा लगना शुरू होता है कि वो चाय का एक घुट भरते ऐसा लगना शुरू होता है कि आई एम गोना न एक्सप्लोर्ड मेरे अंदर इतना सब कुछ है कि मैं फट जाऊँगा एंड एवरी सिंगल वेन इन माई बॉडी इज थ्रॉबिंग मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अंदर ना कुछ बहुत सारी एनर्जी है जो ना निकलने वाली है और ये मेरे इनवर्ट सिम्टम्स हैं आउटवर्ट सिम्टम्स क्या होते हैं कि मेरे हाथ और पैर संगत जी नॉट एग्जैजरेटिंग लाइक ऐसे हो जाते हैं जैसे हैंडी कैप होता हूँ मैं ऐसे करके हो जाते हैं दोनों हाथ जॉ ट्विस्ट हो जाता है ये लोअर जो जॉ होता है ये इधर चला जाता है राइट जॉ इधर चला जाता है अजीब सी शक्ल बन जाती है एंड हाउ डू आई नो क्योंकि मेरे को बाद में लोगों ने ये बताया मेरे को इंटरनली क्या फील हो रहा था कि आई एम गोना क्सप्लोर मैं फट जाऊंगा मतलब इतना सब कुछ है मेरे अंदर कि मैं ना ऐसे करके ब्लास्ट हो जाऊंगा तो सारे लोग ये चीज़ देख रहे हैं वहां पे एक्चुअली में सारे लोग मतलब रात के बारह बजे मेरे ख्याल से चलते वहाँ चार या पांच लोग बैठे होंगे वो ये चीज़ देख रहे हैं सिंगला अंकल ये सब रेट्रोस्पेक्ट में मुझे पता लगा था सिंगला अंकल घबरा जाते हैं मेरी शक्ल देख के सारे लोग मेरे से दूर हो जाते हैं पता नहीं इसको क्या हो गया तो वहाँ पे सिंगला अंगल बैठे बैठे ना एकदम उनको लगता है कि नाउ इज़ द टाइम टू टॉक टू गुरुजी तो ना वो गुरुजी के पास जाते हैं वहाँ जाके उनको कुछ कहने लगते हैं मैं दूर से देख रहा हूँ ये और वो ही एक्सप्लोजन वाली स्टेट में तो गुरु उनको ऐसे बोलते हैं कि तू जा आई तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये मेरे लिए मतलब क्या है मैं तो अपना उसी वियड स्टेट में बैठा हुआ हाथ में मेरे पास चाय प्रसाद है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको तोड़ दूंगा कांच ब्लास्ट हो जाएगा या कुछ भी होगा मतलब इतना सब मेरे अंदर चल रहा है बाद में जाके वो सिंगला अंकल ना उस टाइम पे जाके बाहर भाई को भी बोल देते हैं मेरे जो आशू भैया थे अश्विनी भैया थे उनको भी बोल देते हैं कि तेरे भाई की तो अंदर बहुत बुरी हालत है तेरे भाई को कुछ हो गया वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो वो सुनते हैं उनका भी दिल घबराता है क्योंकि मासी का बेटा उनके घर आया हुआ है और वो ऐसे गुरु जी के पास लेके आए एंड ही इज़ इन अ वेड स्टेट तो वो भी घबरा जाते हैं तो वो अंदर आने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर ना ही टोल्ड मी कि ही स्टॉप हिमसेल्फ कि यार गुरु जी के पास हैं राइट गुरु जी ने जो करना है करने दो जैसे भी ट्रीट करना है करने दो वो उनका कमांडमेंट है वाई शुड आई इंटरव्यू तो ना वो बाहर ही रह जाते हैं यहाँ अंदर वाले लोगों को सबको चिंता है कि इस लड़के को क्या हो गया खैर वो चिंता खत्म होती है रात को साढ़े बारह एक बजे के आसपास गुरुजी ना एकदम से उठते हैं अपने सिंहासन से यहाँ से उठते हैं मेरे पास आते हैं मेरे पास आके खड़े हो के ना मुझे ये बोलते हैं कौन है तू ऐसे ना बड़े गुस्से में आके बोलते हैं कौन है तू मैं ना वो जो ट्विस्टिंग टर्निंग जॉ लॉकिंग वो सब कुछ होता है ना संगत जी वो एक सेकंड में गायब हो जाता है एक सेकंड में अब रेट्रोस्पेक्ट में मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास इतनी सारी नेगेटिविटी थी ना जो मैं ये दीवारें देखता रहता था जो वो सब करता रहता था वो गुरु ने ना वन पॉइंट के अंदर ये बोल के कि कौन है तू सब गायब कर दिया। मेरे को ना याद भी नहीं रहा उस टाइम पे कि ये सब हो रहा था मेरे साथ और मैं इससे लाइक रफली लाइक एक साल पहले से ना मैं मतलब बैठ के दीवारें देखता था और मैं डिप्रेशन में था या समथिंग लाइक दैट कुछ भी याद नहीं रहता मेरे को और गुरुजी ने जो सवाल पूछा है वो कितना इजी सवाल है ना कि हाँ जी मैं तो ऐसे ऐसे आर एंड डी इंजीनियर हूँ मेरा तो ये है मेरा तो वो है मेरे को अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है मेरे को आइडेंटिटी याद नहीं रहती कि मेरे को ये बोलना कि गुरुजी मैं कौन हूँ मैं फंबल करता हूँ बहुत सारा मैं बड़ा सारा फंबल करता हूँ कि गुरुजी मैं मैं ना शायद वो गुरुजी मैं ना वो हूँ वो मतलब ऐसे करता हूँ मैं और मैं बोलता हूँ कि ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि गुरु जी मैं ना वो जो आशुभी है ना मैं उनकी मासी का बेटा हूँ तो वो वो पहला दिन तो होता है संगत जी जब गुरु जी मेरे को कहते हैं अच्छा तू तो मासी मासीदा मुंडा है एज इफ की ही रिमेंबर समथिंग आई डोंट पर तब से पुरानी संगत के अंदर मासी मासीदा मुंडा गुरु जी ने ऐसा बोला तो वो सिंगला अंकल ने सुन लिया एंड इट इट वेंट थ्रू पर क्या होता है कि गुरु जी वहीं खड़े रहते हैं मैं फंबल कर रहा हूँ मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन्होंने मेरे को मासी मासीदा मुंडा नाम दिया है लेकिन वो वहीं खड़े हैं और मेरे को बोलते हैं कि चलो फटे मंदिर चलो रात को साढ़े बारह बजे तो क्या होता है कि गुरुजी ये कह के तो अपने ऐसे करके कह के ना अपने पीछे वाले रूम में चले जाते हैं मैं वहाँ बैठा हूँ संगत सारी जो चार पांच लोगों की है ना वो बड़ी खुश हो जाती है सिंगला अंकल बड़े खुश हो जाते हैं गुरुजी बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं तू बड़े किस्मत वाला है तेरे को बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ आती कि इसमें खुशी वाली बात है क्या खैर मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे भाई और भाभी खड़े हैं उन तक ये न्यूज़ पहले पहुँच चुकी है कि गुरु ने ऐसे ऐसे किया है और बोला है कि बड़े मंदिर चलना है तो वो लोग भी बड़े हैप्पी हो जाते हैं वो चार पांच लोगों की जो संगत होती है ना संगत जी वो रात को लाइक एक बजे के आसपास ना लाइक चौदह पंद्रह कार्स बन जाती हैं छोटे मंदिर से चौदह पंद्रह कार्स जाती हैं बड़े मंदिर बड़े मंदिर में जाके मैं पहली बार जा रहा हूँ मेरे लिए बड़ा मंदिर छोटा मंदिर मतलब मंदिर ही है तो मैं वहाँ जाता हूँ अब ना मुझे गुरु ने थोड़े से अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं नॉट दैट की मेरी उनसे कोई फ्रेंडशिप हो गई है नॉट दैट की मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ पर ना मुझे वो अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं अच्छे लगने का मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कुछ तो कनेक्शन है कुछ तो मैच है जानता नहीं मैं इनको इन्होंने बोला भी नहीं कुछ बड़ा सारा मेरे को भी इन्होंने शब्द भी नहीं सुनाए कि सच बोलना है झूठ नहीं बोलना है ये सब पर ना मेरे को वो बड़े अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना ही हैज सम इनके पास ना कुछ है जो मेरे को चाहिए बड़े मंदिर लेके जाते हैं वहाँ जाके अगर आपने बड़ा मंदिर देखा हो संगत जी तो बिल्कुल अंदर एंटर करते सामने जहाँ पे शिवजी की मूर्ति है ना गुरु जी उसके लेफ्ट साइड में जाके बैठ जाते हैं लेट जाते हैं दीवार के साथ ना ऐसे करके पीछे सहारा लगा के लेट जाते हैं सारी संगत ना उनके आसपास मधुमक्खियों की तरह ना मतलब चिपक जाती है सब लोग चाहते हैं कि गुरु जी उनको देखें उन पे टेंशन पे करें ये सब करें मैं मतलब रुखी होता हूँ नया नया होता हूँ मुझे पता नहीं होता कि क्या करना है मैं जाके ना गुरु जी के चरणों की साइड जाके बैठ जाता हूँ गुरु जी सबसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं उनके साथ किसी को बादाम दे रहे हैं किसी को कुछ दे रहे हैं तो सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन गुरु जी जब भी मेरी तरफ देखते हैं ना तो बड़ा वीड़ तरीके से देखते हैं और ना गुस्से से देखते हैं मुझे समझ नहीं आता कि मेरे को ना वहाँ पर बैठे बैठे ना खांसी आनी शुरू हो जाती है अब मैं गुरु के पास पहली बार गया हूँ आप भी किसी के पास पहली बार घर पे जाओ यू यू एक्सपेक्ट की वो रिस्पेक्ट करेंगे थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कम से कम बेइज्जती तो नहीं करेंगे ना यार मतलब इतना तो करेंगे कि ये बोल देंगे कि चल यार त्रोकान से अरे पानी भी ले राइट पर गुरु जी क्या करते हैं गुरु जी बोलते हैं उठ पीछे सब बीमारी जई इतनी बेस्ती होती है सारी संगत वहां बैठ के सुन रही होती है सारे लोग चुप कर जाते हैं मैं इतनी सारी अपनी जो बची हुई दो तार की इज्जत होती है मैं वो उठाता हूँ और जाके ना मैं बहुत दूर बैठता हूँ मेरे को लगता है कि अब गुरुजी ने मेरे को ऐसे किया ना मैं भी जाके बहुत पीछे जाके बैठूंगा देखता हूँ कि मेरे को देख भी ना सके वहां पे तो मैं वो जो मेन डोर की एंट्री होती है ना उसके राइट साइड में जाके मैं बैठ जाता हूँ बड़ी बेजती हुई थी संगीत जी ऑनेस्टली मतलब अभी तो कनेक्शन बन जाता है तो ऐसा लगता है ना कि गुरु जी गुरु जी जब पहले दिन जाओ और तुम्हें इतनी जोर से डांट दिया जाए और बोला जाए बारी जी यार मैंने खांसी तो करी थी गुरु जी इतना सब क्या कर दिया था ना मैंने मतलब खांसी तो थी थोड़ी छोटी थी पर वो क्या कर रहे थे आई एल नेवर अंडरस्टैंड एट आज तक मुझे समझ नहीं आता इस बात को हो गए नाइनटीन ईयर्स नाइनटीन ईयर्स से मेरे को हर एक बार जब इस बारे में सोचता हूँ तो कुछ नया दिखता है पर एनी वे उठा के गुरु जी ने वहाँ बिठा दिया गुरुजी सबके साथ बहुत हैप्पी फिर से मेरी तरफ देख रहे हैं तो गुस्सा मुझे समझ नहीं आता मैंने गुरु जी केड़े माँ पट ले जैसे पंजाबी में कहते होते ना कि रब तेरे केड़े ऐसी माँ पट्टे है ना तो मुझे लगता है कि मैंने गुरु जी का बिगाड़ा क्या है यार ये मेरे को इतना एटीट्यूड क्यों दे रहे हैं बाकी सबको इतना अच्छे से क्यों रख रहे हैं खैर पाँच मिनट के अंदर गुरुजी को ऐसा लगता है कि चल कर ली इसकी टेस्टिंग कर ली इसकी बेस्ती तोड़ दी इसकी ईगो समझा दिया इसको कि तू जितना ईगोइस्टिक बनता है ना सुपर पावर्स है लेयर्स है यहाँ पे अनियन है बहुत बड़ा ये यूनिवर्स और ये यह मल्टीवर्स यहाँ पर कमांडमेंट चलती है सिर्फ एक बंदे की तो गुरु जी के क्या करते हैं एक बार मेरी तरफ प्यार से देख कर स्माइल करते हैं एंड दैट्स इट वहाँ पर सारे कनेक्शन सारी जो मेरी ईगो को उन्होंने तोड़ना था तोड़ दिया अभी भी तोड़ रहे हैं कंटिन्यूसली तोड़ रहे हैं नाइनटीन ईयरस हो गए हैं लेकिन जो वो इनिशियल स्टेप था वो गुरु ने जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द द आइस आइस तो ही ब्रोक आएस, उन्होंने मेरी तरफ बड़े प्यार से देखा और बड़े प्यार से मुझे ऐसे बुलाया कि आ मेरे पास मैं उठा वहां से गया गुरुजी के पास जाके बैठा गुरु जी कहते ऐसे करके ना गुरुजी ने किया ਉੱਪਰੇ ਸਾਰੇ ਬਦਾਮ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੇਸ਼ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਰੋੜ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਖਾਇਆ ਗੁਰਜੀ ਕਹਤੇ ਕਿ ਗੁਰਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੇ وہی ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਫੰਬਲ ਕਰਕੇ وہی ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮਸੀਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਗੁਰਜੀ ਕੋ ਕਹਾ ਗੁਰਜੀ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਮੈਨੇ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੋ ਗੁਰਜੀ ਕਹਤੇ ਉਹ ਐਸਡੀ ਹੈ मैंने को नहीं पता था उस टाइम पे ओएसडी क्या होता है तो बाद में भैया ने बताया कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आई ऑफिसर्स जो होते हैं जब उनको स्पेशल मिशन पर डिप्लॉय किया जाता है तो उसको ओ उस कहते हैं तो गुरु ने आजकल डिप्लॉय किया हुआ है यू आर्मी में तो ये बातें मुझे अब नाइन्टीन के बाद समझ आती हैं कि ओ का मतलब क्या होता है खैर गुरुजी प्रसाद देते हैं वो सब देते हैं गुरुजी अपना कनेक्शन बना लेते हैं वहाँ पर उसके बाद आज तक गुरुजी कोई भी चीज़ लाइफ में होने वाली होती है कोई भी इंसिडेंट आने वाला होता है कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी खुशी आने वाली होती है गुरु जी हमेशा अपने चरणों में रखते हैं हमेशा कम्युनिकेट कर देते हैं कि ना आई गॉट दस तो चिंता नहीं कर तो गुरु प्यारा है आई गॉट ये